मनमोहन सिंह से लेकर के, मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री अभी इंडिया में नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते थे। जब उन्हीं कुछ कम कर सके तो ये क्या करेंगे, जो न दिया अल्लाह वो क्या देगा सुजुदौला, वही हालत है। मैं हिंदू हूँ। इस साल नीतीश कुमार जी को रहते हुए बीजेपी की सरकार को रहते हुए हो गया, आज भी एक कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं लगा, कोई फैक्ट्री नहीं लग रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज से 50 साल पहले एक भी बिहारी या एगो दूगो कोई IAS IPS होता है, आज 1 to 10 में देखिए चौथा पांचवा बिहारी आप ही हैं। और उद्योगपति जो है वो सरकार चला रही है, जो प्रधानमंत्री है अर्थशास्त्री नहीं है, जस्ट लाइक ही वाज सेलिंग चाय। देखिए पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय महंगाई डाइन थी, और आज महंगाई भौजाई हो गई। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर दी स्पेशल दर्जा ऑफ स्टेट। जो करुआ तेल 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये किलो बिकता था, आज आप 240-220 बेच रहे हैं। जो पेट्रोल 50 रुपये 60 रुपये था, आज 100 रुपये, ये तो आम लोगों को आप मार रहे हैं ना। कंपनी सरकार चलाती है, सरकार खुद नहीं चलाती है, कंपनी जो है सरकार चला रही है। आपके पास बेरोजगारी ज्यादा है, नौकरी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है। आज हमारे देश के नौजवान इंजीनियरिंग करके मेडिकल करके यहाँ वहाँ लाइन पे लगे हुए हैं, लोग लाठी खा रहे हैं। मतलब पढ़ के भी लोग लाठी खाएंगे तो फिर पढ़ेंगे क्यों? आप देश को अनपढ़ बना दीजिए फिर से। नमस्कार, मैं हूँ जूली, आप इसे देख रहे हैं द इंडिया टॉप। आज संसद में निर्मला सीतारमन जो कि देश की वित्त मंत्री है वो आम बजट पेश करने वाली है, और ऐसे में आम जनता की निगाहें जो है इस बजट पर टिकी होंगी क्योंकि इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। तो ऐसे में लोगों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार यादव हुआ। तो इस आम बजट से आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? एक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नीतीश कुमार की पार्टी कर रही है, तो क्या लगता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या फिर कोई विशेष पैकेज मिलेगा? देखिए इस पे तो 20 साल से चर्चा हो रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। इस पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी इस पे बहुत तत्पर थे, मगर अचानक उनका क्या ऐसा टर्न हुआ जो इस मुद्दे को गौण कर रहे हैं, जबकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार में कुछ ऐसा है नहीं, पैकेज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दर्जा मिला तो अच्छा है, अति उत्तम है। आपको लगता है केंद्र सरकार देगी? नहीं देगी ना, कहाँ से देगी ना। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर दी स्पेशल दर्जा ऑफ स्टेट। पैकेज के बारे में बताइए। पैकेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कोई 50 रुपया दे देंगे, आप हमको 100 रुपया दे दीजिएगा तो इससे कोई फर्क नहीं है। पूरे बिहार क्षेत्र में हमको नहीं लगता जो कहे भी जो है उसकी ये है, लेकिन रहा विशेष दर्जा की बात तो काफ़ी सालों से चल रही है, अभी तो कुछ हुआ नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। हर एक सरकार आती है तो बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं है, जुमलेबाजी की सरकार चल रही है अभी। महंगाई लगता है आपको कम होगी इस बजट के बाद? जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जो ट्रेनों का भाड़ा बढ़ रहा है, उसमें कुछ बदलाव होगा? देखिए पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय महंगाई डाइन थी, और आज महंगाई भौजाई हो गई। लोगों को जुमलेबाजी से सरकार नहीं चलती है, लोग झांसे में 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल आ सकते हैं, आपके लगातार 15 साल 20 साल नहीं रह सकते हैं। देश को एक ही पार्टी जो चलाएगा वो है कांग्रेस, क्योंकि आप जिस स्थिति में 7 साल में देश को लाके खड़ा कर दिए, जो करुआ तेल 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये किलो बिकता था, आज आप 240-220 बेच रहे हैं। जो पेट्रोल 50 रुपये 60 रुपये था, आज 100 रुपये, ये तो आम लोगों को आप मार रहे हैं ना। बड़े लोग उद्योगपतियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो पेट्रोल खरीदता है पेट्रोल बेचता है, उसके लिए पैसा आता है, मगर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोअर क्लास के नीचे वाले लोग हैं, उनके बाइक में अगर 1 लीटर पेट्रोल भराना पड़ता है तो आज उनके लिए शोचनीय स्थिति पैदा हो जाती है। 100 के पार पेट्रोल हो गया। यही स्मृति ईरानी जी जब 500 रुपये सिलेंडर हुआ था तो पूरे ड्रामा के साथ लाल किला और पार्लियामेंट घेरने लगी थी, और 1000 आज सिलेंडर है तो आज उन्हीं के मंत्रिमंडल से कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, उम्मीद करते हैं बदलाव होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी इसमें बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। 2 साल से उनको जीने का तरीका सारा कुछ बदल चुका है, लोग कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। जी आप बताइए, आपको लगता है कि इस बजट से कुछ बदलाव होने वाले हैं? उम्मीद कम, ये सब जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। स्वास्थ्य के सेक्टर में GDP का सिर्फ 1.3% हिस्सा बजट का जाता है, तो इस बार कोरोना की वजह से जो हुआ सबने देखा, तो आपको लगता है कि स्वास्थ्य के सेक्टर में बजट को बढ़ाएगी सरकार? बढ़ाना तो चाहिए, बढ़ानी चाहिए। और एजुकेशन के लिए? एजुकेशन का यहाँ बहुत अभाव है बिहार में। इस बजट से आपको उम्मीद है कि महंगाई घटेगी या फिर और बढ़ेगी? देखिए अभी जो है चुनावी माहौल चल रहा है,
अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी हो सकता है चुनावी मुद्दे पर जो है सरकार जो है रेट कम भी कर दे, चुनाव के बाद जो होना हो देखा जाएगा। मतलब चुनाव से पहले रेट कम कर देंगे फिर बाद में फिर से बढ़ा देंगे? अपना सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये नेता मंत्री जो भी हैं अपना सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका कोई ये नहीं है। हो सकता है आज 249 रुपये लग रहे हैं, कल कह देंगे 150 में हम भले 3 GB डाटा के साथ 4 GB डाटा के साथ हम महीना भर दे रहे हैं, दे सकते हैं, महीना दो महीना तीन महीना के लिए, फिर कहेंगे वो ऑफर ख़त्म हो गया, अब 400 रुपये करवाओ तो 28 दिन चलाओ। अब जो पब्लिक मोबाइल ले रखी है उसको क्या कर, तो मजबूरी है, अब तो पहले वही व्यवस्था था मोबाइल में, पैसा नहीं था इनकमिंग कॉल आती थी, अब तो वो भी है पैसा ख़त्म तो इनकमिंग कॉल भी ख़त्म, उसका वैलिडिटी ही ख़त्म हो गया मोबाइल का सिम का। कहना यही है कि मैंने भी लगभग 60 साल से बजट देख रहा हूँ, मनमोहन सिंह से लेकर के, मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री अभी इंडिया में नहीं है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते थे, जब वो नहीं कुछ कम कर सके तो ये क्या करेंगे, जो न दिया अल्लाह वो क्या देगा सुधू दौला, वही हालत है। मैं हिंदू हूँ इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि इनके, चूँकि तो अपने अर्थशास्त्री हैं नहीं, आपके जो प्रधानमंत्री हैं अर्थशास्त्री नहीं हैं, जस्ट लाइक ही वाज सेलिंग ए चाय बेचते थे, ठीक है अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री बन गए हैं मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। हालांकि आज तो 11 बजे बजट है देखिए, लेकिन हमको ना बुझाता है कि आम लोगों को होगा। एजुकेशन के सेक्टर में 6% ठीक ठीक एजुकेशन के सेक्टर में तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ये नहीं कांग्रेस नहीं IAS IPS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव जिसको कहते हैं वो सबको हिंदू कर दिया है, हिंदी के माध्यम से जाने वाले मेधावी छात्र या साधारण छात्र भी अब आ रहे हैं। आज से 50 साल पहले एक भी बिहारी या एगो दूगो कोई IAS IPS होता है, आज 1 to 10 में देखिए चौथा पटवा बिहारी आप ही हैं। रिचार्ज के दाम सब बढ़ गए हैं, चाहे TV का हो मोबाइल का हो, तो उसमें लगता है कि कुछ छूट मिलेगी इस बार बजट के बाद? ये तो खैर कंपनियों के ऊपर निर्भर करती है, कंपनी सरकार चलाती है, सरकार खुद नहीं चलाती है, कंपनी जो है सरकार चला रही है, कंपनी के माध्यम जितने भी रिलायंस कंपनी है बड़े बड़े कंपनी है उसके माध्यम से सरकार चलाते हैं, उसी के पैसा से प्रधानमंत्री सरकार चला रही है, तब जो कहेगी कंपनी वही तो सरकार करेगी। आप कह रहे हैं कि कंपनी चला रही है सरकार? जी हाँ, उद्योगपति जो है वो सरकार चला रही है हमारे समझ के अनुसार। किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको लगता है कि कोई पैकेज या फिर उस चीज को डेवलप करने की ज्यादा जरूरत है? बिहार में तो बहुत सारे चीज का डेवलपमेंट की जरूरत है, जैसे मान लिया कि आपको एक भी इंडस्ट्री 20 साल नीतीश कुमार जी को रहते हुए गए, BJP के सरकार को रहते हुए हो गए, आज भी एक कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं लगा, कोई फैक्ट्री नहीं लग रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ का शिक्षा का स्तर जो नीचे गिरते जा रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी और BJP ये दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, इसकी जिम्मेवारी तो उन्हीं को होना चाहिए। भाड़ा बढ़ा है ट्रेन का, तो उसमें लगता है कि अब कोरोना की वजह से बढ़ाया गया था? इसमें और है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिंपल पटना यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं है उसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा। आपको घर चलाने के लिए 5 आदमी को परिवार है, 10 आदमी का परिवार है, वो तो चलाना मुश्किल है, यहाँ पर तो जो भाड़ा बढ़ाया है न्यायोचित है मेरे समझ से। ट्रेन का भाड़ा? हाँ, ट्रेन का भाड़ा आखिर नहीं बढ़ेगा तो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, बहाली हो रहा है, वैकेंसी हो रहा है, कहाँ से पैसा देगा? किसानों को लेकर के सरकार ने एक बात कही थी कि इनकी आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, तो उसको लेकर के कृषि कानून भी लाए गए, लेकिन अब वो कानून वापस ले लिए गए, तो अब सरकार क्या करेगी? क्योंकि 2022 तक कहा गया था कि आमदनी दोगुनी हो जाएगी, तो अब लगता है कि किसानों को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए ये तो अब मजाक हो गया, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी वो बोले हर साल 2 लाख युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वो ख़त्म, अब किसान को बोले कि दोगुनी आमदनी कर देंगे, काला कानून लाए, कानून वापस कर लिए, अब सरकार ये बताए कि इतने 7 साल 8 साल की सरकार हो गई केंद्र में, आज अब क्या किसान के लिए दोगुना लाए, दोगुना क्या हुआ? अभी तक तो हम लोग कुछ जानते भी नहीं है कि किसान को दोगुना आय क्या हुआ, अरे किसान का दोगुना आय आप बताएंगे तभी तो लोग जानेगा ना, आप सिर्फ बोलते हैं कि दोगुना आय होगा, अब तो 22 भी आ गया। इस बजट में आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए? देखिए इस बजट में तो हमारा सबसे पहले उद्देश्य होता है कि आम लोगों को राहत मिले,
जिसमें कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं जिनको खाने पीने राशन के सामान जैसे चावल गेहूँ दाल तेल मसाला ये सब बजट से इसमें आदमी को कटौती करके किसी भी हिसाब से जो पहले का रेशियो था उस पर लाना चाहिए, क्योंकि आपके पास बेरोजगारी ज़्यादा है, नौकरी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है। आज हमारे देश के नौजवान इंजीनियरिंग करके मेडिकल करके यहाँ वहाँ लाइन पे लगे हुए हैं, लोग लाठी खा रहे हैं। मतलब पढ़ के भी लोग लाठी खाएंगे तो फिर पढ़ेंगे क्यों? आप देश को अनपढ़ बना दीजिए फिर से, ताकि लोग फिर ईंटा धोएगा, मट्टी कोड़ेगा, किसानी करेगा, फिर भी किसान के लिए भी ज़मीन भी नहीं बचेगा, कहाँ करेगा लोग? आप तो रोजगार के नाम पे तो आप बताइए आपको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? उस बजट से यही उम्मीद करते हैं कि आम जो कामगार गरीब मजदूर किसान जो भी है उनके लिए जो है महंगाई चरम पर है और उनके लिए जरा सोच के सरकार फैसला लें। तो जैसा कि आपने देखा पटना के लोगों का कहना है कि इस पर बजट आने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। हालांकि चुनाव आने वाले हैं कुछ राज्यों में, तो ऐसे में सरकार हो सकता है कि चुनाव से पहले चीज़ों के दाम सस्ते कर दे, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होंगे एक बार फिर से दाम बढ़ा दिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।